स्टार प्लस के पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि तीन मेन स्टार्स सचिन त्यागी, स्वाति चिटनिस, समीर ओंकार और कुछ क्रू मेंबर्स को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है, जिसके बाद शो की शूटिंग को तुरंत ही रोक दिया गया था। इस घटना के बाद कार्तिक नायरा का किरदार निभाने वाले स्टार्स मोहसिन खान और शिवांगी जोशी के चाहने वाले भी काफी परेशान थे कि कहीं वो तो कोरोना की चपेट में नहीं है। लेकिन अब जो ताजा खबर सामने आ रही है उसे सुनकर शो के फैंस थोड़ी राहत के सांस जरूर लेंगे, और वो ये है कि शिवांगी और मोहसिन का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। जी हां, स्पोर्ट बॉय की खबर के मुताबिक शिवांगी और मोहसिन इस खतरे से दूर हैं। शो से जुड़े करीबी सोर्स ने पोर्टल को बताया है कि शिवांगी और मोहसिन को उनकी रिपोर्ट मिल गई है और सौभाग्य से वो नेगेटिव आए हैं। हालांकि शो के सभी मेंबर्स को सुरक्षा कारणों की वजह से कुछ दिन होम क्वारंटीन में बिताने पड़ेंगे। वैसे देखा जाए तो शिवांगी और मोहसिन भी पिछले कई दिनों से उन स्टार्स के साथ लगातार शूटिंग कर रहे थे जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ऐसे में शिवांगी और मोहसिन जिस तरह से इस वायरस से बच रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है। इससे ये भी पता चलता है कि सेट पर दोनों ने प्रिकॉशंस का खूब ध्यान रखा है और बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरती। दोनों ने शूटिंग करने के बावजूद सेट पर सोशल डिस्टेंसिंग को भी फॉलो किया है, जिसकी वजह से वो कोरोना से बचे रहे। हालांकि सेफ्टी रीजंस की वजह से दूसरे क्रू मेंबर्स के साथ साथ शिवांगी और कार्तिक को भी कुछ टाइम के लिए क्वारंटीन में बिताना पड़ेगा। वैसे आपको बता दें कि स्टार्स के कोरोना होने की जानकारी खुद शो के प्रोड्यूसर राजन शाही ने ही दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि ये रिश्ता क्या कहलाता है का खास हिस्सा स्वाति चिटनिस, समीर ओंकार और सचिन त्यागी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि तीनों ही स्टार्स में कोई लक्षण नहीं नजर आए थे, लेकिन सुरक्षा कारणों के कारण बीएमसी की सलाह पर हालांकि अब जब शो के सभी क्रू के साथ साथ स्टार्स भी होम क्वारंटीन में हैं और शो की शूटिंग बंद है, तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा थोड़ा इंतजार करना पड़ जाए। लेकिन अच्छी बात यह है कि वक्त रहते ही इस बीमारी का पता चल गया, जिससे ज्यादा लोग संक्रमित होने से बच गए।